बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधानसभा की 22 कमेटियों का गठन किया है, जिसमें अलग अलग समितियों के अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के साथ जेडीयू के 5 और आरजेडी के 6 विधायकों के नाम की भी घोषणा हुई है। घोषणा के बाद अब ये लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी के 2 कद्दावर नेता मंत्री बनने की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं। इनमें पिछली सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव और कृषि मंत्री प्रेम कुमार शामिल हैं। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपने कोटे से नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार को किसी न किसी विभाग का मंत्री जरूर बनाएगी, यानी ये दोनों ही दिग्गज नेता मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे थे। लेकिन अलग अलग समितियों की घोषणा के बाद ये दोनों ही दिग्गज अब रेस से बाहर हो गए हैं। पटना साहिब विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक रहे नंद किशोर यादव को प्राकलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रेम कुमार, जो गया से 8 बार से लगातार विधायक रहे हैं, उन्हें याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सिर्फ नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार ही वो बीजेपी नेता नहीं जिनका नाम मंत्रिमंडल विस्तार की रेस से बाहर हुआ है। इन दो नामों के साथ ही साथ बीजेपी ने 3 और पूर्व मंत्रियों को भी मंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया है। इनके नाम विनोद नारायण झा, राम नारायण मंडल और कृष्ण कुमार ऋषि हैं। विनोद नारायण झा को निवेदन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, राम नारायण मंडल को आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और कृष्ण कुमार ऋषि को कृषि उद्योग विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये तीनों भी पिछली सरकार में मंत्री थे। अब नीतीश मंत्रिमंडल से बीजेपी के इन वरिष्ठ नेताओं के पत्ता कटने पर आरजेडी नेताओं को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का नया अवतार हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय अमित शाह जी के रूप में, तो उसी समय से सभी जो सीनियर लीडर हैं उनको दरकिनार करने का काम शुरू हो गया। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, सारे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। अब बिहार में भी वही हो रहा है, सभी सीनियर नेताओं को साइड लगा दिया गया, किनारे कर दिया गया। अब तो जो फरमान वहाँ से होगा अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, वही होगा। अब नीतीश कुमार जी को भी 3 नंबर की पार्टी बना दी गई है, अब उनका भी कुछ नहीं चल रहा है। तो बीजेपी का जो ये नया अवतार है, ये साध्वी प्रज्ञा वाला, ये अवतार में सीनियर नेताओं का कोई पूछ नहीं है, ना उनको कोई तवज्जो मिल रहा, ना कोई उनको सम्मान मिल रहा। अब अंतर विरोध इतना है कि बीजेपी के एक बड़े नेता रामाधार सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके सांसद ही ने ही हरा दिया बीजेपी को। तो बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत अंतर विरोध है, बीजेपी खुद ही बिखर जाएगी ऐसा लग रहा है। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नंद किशोर यादव का नाम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी लिया जा रहा था, लेकिन फिर विजय सिन्हा का नाम अचानक से तय हो गया। बीजेपी में ये चर्चा भी चल रही थी कि पार्टी नए लोगों को तो आगे करना चाहती है, लेकिन नए और पुराने लोगों के बीच तालमेल बनाकर। लेकिन जिस तरह पार्टी के पुराने नेताओं को समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये कयास सही साबित होते दिख रहे हैं। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि अगर बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को साइड कर रही होती तो डिप्टी सीएम के पद पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को क्यों बिठाती। खैर, कैबिनेट विस्तार में किन नए या पुराने चेहरों को जगह मिलेगी, इस बात का पता 14 जनवरी यानी खरमास के बाद ही लगेगा। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।